बरसात में पहाड़ों पर पोकलैंड मशीन से पहाड़ी कटान कर भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर सन गांव की ग्राम प्रधान हेमंती रावत ने डोईवाला उपजिलाधिकारी को इसकी शिकायत की। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने तहसीलदार और जिला खान अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत सन गांव के भगवानपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान भारी वर्षा के बीच भी उपजिलाधिकारी ने पहाड़ी काट कर बनाए जा रहे निजी रास्ते पर काफी दूर तक पैदल घूमकर बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही कार्य कर रहे एक निजी कॉलेज के संचालकों से मशीन से पहाड़ी कटान की अनुमति मांगी गई तो वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा ग्राम प्रधान हेमंती रावत की ओर से निजी कॉलेज निर्माण में ग्राम पंचायत की भूमि खुर्द बुर्द करने का भी आरोप लगाया गया, जिस पर उपजिलाधिकारी ने कॉलेज के संचालकों को एक दिन के भीतर अपने सभी दस्तावेज तहसील कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर भारी जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। मैंने कई बार तहसील प्रशासन डोईवाले को भी संज्ञान में लाया हूँ, बात उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने जाके वन मंत्री सुबोध उनियाल जी को लेटर दिया, उन्होंने SDM को ऑर्डर करा, आज तत्काल कार्रवाई हुई है। देखो इस समय बरसात का मौसम है, पोकलैंड मशीन या जेसीबी मशीन लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता। क्षेत्र कोई आपदा आ जाए तो पूरे कम से कम 20 परिवार नीचे पड़े हुए हैं, सारे दब सकते हैं। इस पर तुरंत से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई इस पर तो मैं आंदोलन करूंगा, ग्रामवासियों को साथ में लेकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा यूनिवर्सिटी के बगल में, कहा देंगे हम। अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, इस पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। और हमने पूरा निरीक्षण किया तो यहाँ पर अभी फिलहाल इनकी साइट पर पेपर नहीं है। जो दस्तावेज हमें भूमि के चाहिए, क्योंकि ये मेरठ के रहने वाले बताए गए हैं और इन्होंने परमिशन ली है यहाँ पर, और परमिशन लेने के बाद ही इतना बड़ा एक कॉलेज बना रहे हैं उसको लेकर के। दूसरा, इन्होंने यहाँ से एक ऊपर सड़क अपनी निजी भूमि पर बता रहे हैं कि हमने काटी है, उसको लेकर के हमने इनसे अनुमति मांगी है, वो पेपर भी इन्होंने अभी दिखाया नहीं है। तीसरा, इन्होंने एक डंपिंग जोन बनाया है यहाँ पर, ये पूरा जो मलबा है इसका वो बनाया है, उसका भी हमें परमिशन चाहिए। अभी ये सब दस्तावेज पुटअप करेंगे। हमने अभी जितने दस्तावेज इन्होंने पुटअप किए उसमें MDDA से इन्होंने परमिशन ली और लगभग 92 से 93 लाख रुपए इन्होंने उसका शुल्क भी जमा किया है, और बेसमेंट खुदाई का जो बिल्डिंग बनी है इसकी परमिशन भी जिलाधिकारी महोदय से हुई है। तो इसके अलावा इनके पास दस्तावेज नहीं जो है, जब इन्होंने संभवतः यहाँ पे काम किया होगा बिना परमिशन के, तो तत्कालीन अधिकारी ने इनका चालान करके इन पर खनन की पेनल्टी भी की, तो लगभग 7,28,000 रुपये के समथिंग जो है इन पर वसूली है। तो वसूली जो है जब इन्होंने जमा नहीं किया तो कलेक्टर महोदय द्वारा जो है RC काट दी गई, फिर जो है यहाँ पर SDM ने तहसीलदार ने इनको जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन इन्होंने उसको जमा ना कर करके और अपीलीय कोर्ट में ये चले गए हैं। लेकिन हमें कह दिया है कि अपीलीय कोर्ट से अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं है, आप जो है शुल्क जमा करेंगे और समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।